कुशीनगर में 435 करोड़ की लागत से कृषि विश्वविद्यालय बनेगा। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन व शिलान्यास किया। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास कार्यों के लिए एक के बाद एक लोकार्पण व शिलान्यास कर रही है और खासकर सरकार प्रदेश में पूर्वांचल में तेजी से विकास कार्य में बढ़ावा दे रही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 435 करोड़ से महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया तथा 2134 करोड़ की लागत से 483 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए लोकसभा 65 कुशीनगर से विजय दुबे को जिताने की जनता से अपील की है। इस दौरान कृषि मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायकगण एवं पार्टी के सभी पदाधिकारीगण मंचासीन रहे। इन सबको मैं बधाई देता हूँ। पीएम कुसुम योजना का प्रमाण पत्र उनको प्राप्त हो रहा है और हमारे जनप्रतिनिधि अलग अलग जनपदों में वितरित करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपके वोट की कीमत क्या होती है? एक अच्छी सरकार जब चुन करके आती है, ऐसे ही समृद्धि भी लाती है और संस्कृति का संवर्धन भी करती है। समृद्धि, मैं जब सोच रहा था कुशीनगर में क्या क्या हुआ, क्या यहाँ के लोगों को मिला है, कृषि विश्वविद्यालय मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया। इस पावन महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के ही नाम पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के आज के शिलान्यास कार्यक्रम में और जनपद की 2200 से अधिक करोड़ रुपए की परियोजनाओं के एक साथ लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह